रूरल डेवलपमेंट एंड द नेक्स्ट इज नबार्ड। बेटा हमने कर लिया था जो इंस्टीट्यूशनल से उसके अंदर आपका हो चुका था ऑलरेडी। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल जहाँ से क्या मिलती है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या किया गया था, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था कमर्शियल बैंक्स की जो ब्रांचेस है दैट वाज ओपन्ड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज़ डन इन 1969। कमर्शियल बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण जब 1969 में हो गया था उसके बाद उनकी जो शाखाएं हैं वो क्या होने लग गई थी, ब्रांचेस ओपन होने लग गई थी रूरल एरियाज़ के अंदर रूरल पीपल्स को रूरल फार्मर्स को क्या करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट ओपन हुई थी RRBs रीजनल रूरल बैंक, जो कि रीजनल रूरल बैंक जो थी 1975 के अंदर क्या हुए थे स्टार्ट हुए थे, दिस वाज स्टार्टेड इन 1975, जिसके लिए एक रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट बनाया था एक्ट बनाया गया इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था 1976 के अंदर। और फिलहाल भारत के अंदर 56 क्या है RRB बैंक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड जो एस्पेक्ट है दैट इज़ द नबार्ड। नबार्ड यानी कि नेशनल नबार्ड एक इस तरह का बैंक हो जाता है जिस तरह से क्या है हमारे पास RBI है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी RRB बैंक्स होते हैं उन सब के ऊपर क्या है नबार्ड है। सो जो नबार्ड है जिसे कि हम क्या कहते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी जो फॉर्मेशन है विच इज़ डन इन 1982 के अंदर इसको डेवलप किया गया था ताकि क्या किया जा सके जो रूरल क्रेडिट है इंडिया के अंदर क्या है जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो साख की सुविधाएं उन्हें क्या है प्रदान की जा रही हैं उन्हें क्या किया जाए और ज़्यादा सुदृढ़ उसे और ज़्यादा क्या है अच्छा बनाया जा सके। बेटा जिस तरह से क्या है जितने हमारे क्या हैं कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर क्या है सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर RBI है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसे हम क्या कहते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज अपेक्स इंस्टीट्यूट कहते हैं। उसी तरह से ही जितने भी हमारे क्या हैं रूरल बैंक्स हैं उन सभी रूरल बैंक्स को क्या करने के लिए इजीली कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर क्या है नबार्ड है। जिसकी फॉर्मेशन 1982 के अंदर की गई थी नबार्ड इज नोन एज अपेक्स बैंक। नबार्ड को भी क्या कहा जाता है अपेक्स बैंक कहा जाता है। और वो जितने भी रूरल एरियाज़ के अंदर क्या है क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन सभी को क्या करता है रेगुलेट करता है उन सबको क्या करता है चेक करता है वेरियस एजेंसीज हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है रीसेंट टू मोर सेटअप इमरजेंसीज फील्ड के अंदर क्या किया इन इमरजेंसीज के अंदर जो रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एक है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा जो दूसरी इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर यूज़ की जाती है दैट इज़ SHG विच इज़ नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं स्वयं
स्वयं सहायता समूह, उसके द्वारा क्या की जाती है, हेल्प की जाती है। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था, किस पर्पस के लिए? आई थिंक इट वॉज स्टार्टेड इन द जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसे स्टार्ट किया गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ठीक है, उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया था 1989 के अंदर, ताकि अच्छी बैंकिंग, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड काम करता है उसी तरह से ये किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दिया गया था, और जिससे कि वो क्या कर सकते थे, एडवोकेट, जो भी टाइमली सपोर्ट चाहिए उन्हें, बैंकिंग फैसिलिटीज़ वो उन्हें प्रोवाइड की जा सके। इसके अंदर, इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 9.5 जो क्या थे, करोड़ कार्ड्स को इशू किया गया था। 9.5 करोड़ कार्ड्स आर इशूड टू द फार्मर्स। किसको किए जाएंगे? फार्मर्स को किए जाएंगे। और ये फार्मर्स को इशू किए गए, कब किए गए? इन बाय इतने बाई मार्च, यानी कि मार्च 2012 तक, यानी कि स्कीम लॉन्च हुई 1989 के अंदर, और 89 से लेकर 2012 तक 9.5 करोड़ कार्ड क्या किए गए हैं, किसानों को वितरित किए गए हैं, दिए गए हैं। द स्कीम ऑफ हेल्पिंग, मतलब ये जो स्कीम होती है ये शॉर्ट टर्म भी लोन फैसिलिटीज़ उन्हें क्या करती हैं, क्रॉप के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद में एक रिवाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड क्या हुई, रिवाइज्ड होकर एक और क्या है स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी 2012 के अंदर ठीक है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड पासबुक को क्या किया गया, जो किसान क्रेडिट कार्ड की यानी कि केसीसी की जो पासबुक थी उनके पास ठीक है, कि उन्हें उधार क्या है पैसे दिए जाते थे उस कार्ड के ऊपर, जैसे ये कार्ड दे दिया उनको तो उस कार्ड को बैंक में दिखाकर या कहीं पर भी दिखाकर उन्हें उधार पैसे मिल जाते थे, तो उनकी पासबुक होती थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक कहते हैं। उसे क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया, इसको किसान क्रेडिट कार्ड की जो पासबुक थी उसे क्या किया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया, और उसकी जगह क्या किया गया, एटीएम कम डेबिट कार्ड जो है उसे क्या किया गया, इशू किया गया। सभी जितने भी एलिजिबल फार्मर्स थे और जो विलिंग फार्मर्स थे उन्हें क्या किया गया, ये प्रोवाइड किया गया। इसके बाद में जो सेकंड है, विच इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्या है, SHG जिसे हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह ठीक है, उन्हें बैंकों के साथ किया गया, लिंक किया गया, उन्हें बैंकों के साथ जोड़ा गया कि इन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर वो क्या करें, खुद की सहायता करें। फोकस किया गया कि खुद की सहायता करनी है रूरल पीपल्स को, तो बैंकिंग क्या करती है, उन्हें उनके डोमेस्टिक पर्पस के लिए वुमेन्स को एंगेज करती, इकट्ठा करती है, डोमेस्टिक वर्क करते, जैसे टेलरिंग हो गया, निटिंग हो गया, पापड़ मेकिंग हो गया, तो उनके लिए, उनके उस बिजनेस को करने के लिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू देम, उन्हें क्या की जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं नेशन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा क्या हुई हैं, डेवलपमेंट्स उसकी की गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। तो एक बार देखा जाए कि आपके अदर टॉपिक्स और कौन कौन से हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर मार्केटिंग आता है आपका टॉपिक।